हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से ले आए हम एसएल एनर्जी का एक न्यू प्रोडक्ट गेट वन। ये प्रोडक्ट जो है आपने काफी अलग अलग नामों में अलग अलग वेबसाइट्स पे देखा होगा। एसएल ने इंट्रोड्यूस किया है इसको गेट वन के नाम से। तो इसका जो बेसिकली साइज है वो यूलू बाइक के नाम से आता है, वो साइज है। इसको बच्चा चला सकता है अब वो 13-14 ईयर, लेडीज चला सकती है, जेंट्स चला सकता है और सीनियर सिटीजन कोई भी। 2 साल की वारंटी के साथ आता है ये। इसमें जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी यूज की हुई है। इसमें पैडलिंग का भी ऑप्शन है। इन केस अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है, आप इस पैडलिंग का यूज करके साइकिल की तरह इसको यूज कर सकते हो। ये काफी कन्वीनियंट है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत लाइट है। ये प्रोडक्ट जो है 2 बैटरी वेरियंट में आता है, एक 48 वोल्ट 13 एम्पियर, एक 48 वोल्ट 16 एम्पियर। 48 वोल्ट 13 एम्पियर का जो माइलेज है वो आपको अप्रॉक्स 40-45 के आसपास मिलेगा और 16 एम्पियर का जो माइलेज है वो आपको 50-60 किलोमीटर का मिलेगा। तो 2 की के साथ आता है ये, 2 की एंड 1 रिमोट कंट्रोल। तो चलिए रिमोट से जो चेक करते हैं। अब देखो ऑन है इस टाइम गाड़ी। ये जो है बैटरी के सिग्नल है, फुल बैटरी है। बैटरी बिल्कुल डाउन होती है तो ये बैटरी का जो आइकन दिख रहा है ये हो जाएगा ऑन। हेडलाइट का सेपरेट बटन भी दिया हुआ है, ये ना ऑफ कर दिए। इंडिकेटर्स हैं इसके, और ये इसका हॉर्न है। और इसमें 2 स्टैंड आते हैं, ये साइड स्टैंड है और ये स्टील कलर के अंदर इसका सेंटर स्टैंड है। बैक लाइट के अंदर ये सिर्फ रिफ्लेक्टर लाइट है ओनली। बैटरी का जो कंपार्टमेंट है वो ये है, एरिया के अंदर बैटरी लगी हुई है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। छोटा मोटा सामान, फ़ोन वगैरह आप इसमें रख सकते हो, कुछ सामान आप इसमें भी रख सकते हो। ड्रम ब्रेक के साथ आता है ये, आगे भी और पीछे भी। भाई ये इसका चार्जर है जो इस टाइप का आता है, ये चार्जर है इसका, जो कि इसको अगर ये बिल्कुल बैटरी इसकी ख़त्म हो जाती है तो सिंगल चार्ज इसका जो है ये 4-5 घंटे के अंदर फुल चार्ज करता है। तो चलिए इसको ड्राइव करके देखते हैं कितनी स्मूथ इसकी ड्राइव है, ये 2 बंदों का वेट ले सकती है या नहीं ले सकती, और पैडलिंग के साथ इसकी ड्राइविंग कितनी कम्फर्टेबल है कितनी नहीं वो भी चेक करते हैं हम। तो भाई ये तो अभी चल रही है प्रॉपर बैटरी के ऊपर। अब हम इसको बैटरी बिल्कुल कट ऑफ कर देते हैं। इफ सपोज बैटरी खत्म हो जाती है और आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो उस केस में आप पैडल यूज करके कैसे इस पे जा सकते हो वो दिखाते हैं, ट्राई करते हैं कितना कन्वीनियंट है कितना नहीं है वो तो चलाने वाला बताएगा हमें। अब ये ऑफ हो गई है, अब ये खाली पैडल पे चला के देखेंगे। अब इसको अब की से ऑन करके दिखाएंगे, ठीक है। और इस पे 2 बंदों को बिठा करके हम ट्राई करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है। तो भाई ये देख लो फ्लाईओवर के ऊपर की तरफ ये लोग आ रहे हैं, 2 बंदे इस पे बैठे हुए हैं और स्पीड 30 के आसपास मुझे लग रही है। स्पीड मीटर इसके अंदर होता नहीं है बट हमने इसकी स्पीड चेक की हुई है गूगल मैप के थ्रू, तो इसकी 30 के आसपास स्पीड आती है, 25-30 के बीच। तो भाई इसकी हम स्पीड चेक करने जा रहे हैं वाया गूगल मैप, जो कि आप सबको पता है गूगल मैप पे यहाँ पे स्पीड दिखाता है। तो अब ट्राई करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या स्पीड दे रहा है, क्योंकि इसमें स्पीडोमीटर तो आता नहीं है, सिर्फ बैटरी का और आपको हेडलाइट और इंडिकेटर का बताता है। तो स्पीड कितनी है एक्चुअल में, 2 बंदों के साथ चेक कर रहे हैं। चलो भाई ये लो,
कितनी स्पीड आई मैक्सिमम? हमने गूगल मैप के थ्रू चेक करा है तो दो बंदों के साथ जो इसकी स्पीड आई है वो 30 आई है, हल्का सा यहाँ पे स्लोप है और चढ़ाई के टाइम पे 25 थी स्पीड। तो जब दो बंदों के साथ गाड़ी 25 चल रही है तो इट मीन पावर है मोटर में और गुड स्पीड है, क्योंकि वैसे भी ये नॉन लाइसेंस प्रोडक्ट है तो 30 से ऊपर इसकी स्पीड जाना तो फिर लाइसेंस रिक्वायर हो जाएगा चलाने के लिए। इंश्योरेंस जो है इसमें मैंडेटरी नहीं है, वो कस्टमर की मर्जी है वो इंश्योरेंस कराना चाहता है या नहीं, बट इस पर कंपलसरी नहीं है, आप विदाउट इंश्योरेंस भी इसको ड्राइव कर सकते हो। तो ये ओवरऑल कस्टमर की चॉइस है कि उसको इंश्योरेंस करवाना है या नहीं कराना है। हाँ, ये सीट जो है ये लोअर है एकदम, छोटे बच्चे के काम आ सकती है। तो भाई जो इसका टायर है ना वो ट्यूब वाला टायर है, इससे पहले ये मॉडल ट्यूबलेस में आता था पर काफ़ी इशू होते थे उसके अंदर, इस वजह से कंपनी ने इस बार इसमें ट्यूब वाला टायर दिया है। तो जो आपको टायर मिलने वाला है वो टायर और ट्यूब वाला ऑर्डिनरी टायर मिलने वाला है। दो शॉकर के साथ आती है, फ्रंट एंड रियर। ये है रियर शॉकर, ये फ्रंट शॉकर। तो सीट भी एडजस्टेबल है, इसकी हाइट आप ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो दिल्ली वाले कस्टमर के लिए है, अगर दिल्ली से कोई भी कस्टमर इसे बाय करता है तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इस पर 5,000 रुपये की सब्सिडी है, जो कि आपके 30 से 40 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। तो दिल्ली वाले कस्टमर को बाय करने के लिए काफ़ी किफ़ायती सौदा होगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको सीधा सीधा 5,000 रुपये का सब्सिडी बोनस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो होप सो मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी आपको, अगर कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर इसको बाय करना है तो बाय लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो में बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी है तो ईबे भी कार्ट पे जाके आप इसको बाय कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। हाँ, फाइनली सबसे एंड की जो बात है रेट, इसका रेट क्या है? तो भाई अभी जो इसकी कॉस्टिंग है वो 48 वोल्ट 16 एम्पियर के अंदर 43,500 रुपीज़ की है। तो बाकी जो जीएसटी है, शिपिंग है, उसको एक्स्ट्रा लगा के आप अप्रॉक्स मान के चलो 45-46 को आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगी। तो अब इसको मैं ट्राई करता हूँ कैसी इसकी ड्राइव होने वाली, स्मूथ है कितनी है। काफ़ी स्मूथ ड्राइव है, मतलब आपको मज़ा आएगा चलाने में। यूलू को तो हम बाय नहीं कर सकते पर हाँ गेट वन का तो हम ज़रूर बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको यूलू चलाने में मज़ा आता है तो ये गेट वन आपके लिए ही बनी है। तो भाई कुछ ऐसा इसका रिव्यू था जो आज हमने देने की कोशिश करी है, होप सो बहुत कुछ आपको पता चला होगा इसके बारे में, क्योंकि अभी तक एक भी वीडियो हमने इसके लिए शूट नहीं करी थी। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज, मिलेंगे फिर दोबारा एक नई वीडियो नए व्हीकल के साथ, तब तक के लिए बाय।